Hello students, hope you all are doing great. Welcome back to the Winning Edge YouTube channel. And in the intelligence test topic, today we'll be starting a new topic, that is sitting arrangement. We'll be understanding the concept of sitting arrangement and we'll be solving a few sample questions based on sitting arrangement. So let's get started. So as the name suggests, sitting arrangement matlab baithne ka tarika. तो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पर्संस और ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड कंडीशंस. यू आर गिवन सर्टेन कंडीशंस एंड जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लासमेट्स हैं, दे आर सिटिंग इन अ पैटर्न. सो द बेसिक कॉमन पैटर्न जिसके पे क्वेश्चंस आते हैं, इट कैन बी अ लीनियर पैटर्न और इट कैन बी अ सर्कुलर पैटर्न, बट यू हैव टू केयरफुली सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो द अरेंजमेंट और द पैटर्न इज इन अ लीनियर मैनर और इन अ सर्कुलर मैनर. इसी दो मैनर के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. सो यू शुड बी फेमिलियर विद द पोजिशंस की लेफ्ट पोजिशन पे कौन बैठा है, राइट पोजिशन पे कौन बैठा है, या सर्कल के फॉर्म में अगर बच्चे बैठे हैं तो आपके लेफ्ट पे कौन होगा, आपके राइट पे कौन होगा, नॉर्थ साइड कौन सी होगी, साउथ साइड कौन सी होगी, इसी सब पे बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न, लीनियर का मतलब एक सीक्वेंस में, एक लाइन में. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई करके आप इमेजिन कर लीजिए. सो वेन दे आर सिटिंग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग, सो दिस इज माई लेफ्ट साइड, दिस इज माई राइट साइड, अनदर पर्सन इज सिटिंग, सॉरी अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, सो उस पर्सन की लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ऐसे बहुत सारे लोग रो में खड़े होंगे. तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कौन मिडिल में है, कौन लास्ट में है, एक्स पर्सन इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई पर्सन, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी सी डी ई डिफरेंट पर्सन आर स्टैंडिंग, तो उनका एक की लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे मैं टर्न कर रही हूँ, तो दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, फिर नेक्स्ट पर्सन की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, थर्ड पर्सन की लेफ्ट साइड और राइट साइड, एंड इसी ऑर्डर में जो है पैटर्न है रिपीट होता है. सो यहाँ पे भी आपको अपनी डायरेक्शंस रिमेम्बर करनी है, जो हमने कार्डिनल डायरेक्शंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट टॉपिक में करी थी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपकी डायरेक्शंस हैं, और जो बेसिक आपका फंडा है लेफ्ट और राइट का, यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. जो सर्कल में भी अगर हम बात करते हैं, जो आपकी मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए जब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर रहे हैं दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड फोर पीपल आर सिटिंग. There can be more than four people sitting in a circle, like five people, six people, eight people sitting in a circle. और उसी पे based आपको questions आएंगे. So जो circle पे based questions आएंगे, उसमें different people will be sitting around a circle. तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी clockwise direction इधर से move हो रही है, ठीक है, left direction से इधर से move हो रहे हैं, ठीक है, तो they will be asking you कि this person is sitting next to that person, this person is sitting next to that person, कौन सा person उसके left में है, कौन सा person उसके right में है. So इधर से जब हम direction की बात कर रहे हैं, this is the right side or the anti-clockwise side. So इतना concept we have to remember for solving these questions, which are very very simple and very very easy. Linear arrangement and circular arrangement. And let's start practicing the questions now. So students, the very first question for your practice is on your screen. What is this question saying? That five friends are sitting on a bench. Imagine kariye, panch friends hain, they are sitting on a bench. Ab wo panch friends A, B, C, D, E karke inhone question mein de rakhe hain. A is to the left of B but on the right of C. ठीक है, अब लेफ्ट राइट डायरेक्शंस जो मैंने आपको बताई थी वो आपको रिमेम्बर करनी है. ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ बी बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, हु आर एट द एक्सट्रीम्स. आपसे क्या पूछा है कि जो सारे बच्चे बैठे हैं इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑल इज गिवन हेयर इन द क्वेश्चन. सो क्या वो ए और बी हैं, क्या वो ए और डी हैं, क्या वो बी और डी हैं, और क्या वो सी और ई हैं. ठीक है, सो क्विकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी. ठीक है, ये आपका बी है और ए कौन है, उसके लेफ्ट साइड पे है, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया. बट ऑन द राइट ऑफ सी, ठीक है, पर क्या बोल रहे हैं, सी के राइट में है. ठीक है, सी ये है, सी के राइट में है ए, तो इसलिए हमने सी को इधर बना दिया. डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी जो है वो बी के राइट में है, पर बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, पर ई के लेफ्ट में है, इसलिए ई को हमने डी के बाद बनाया. हु आर एट द एक्सट्रीम्स, तो इस सबसे हमें क्या पता चलता है कि एक एंड पे कौन है, सी है, और एक एंड पे कौन है,
ई है. तो एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है? सी और ई. तो आंसर क्या होगा इसमें आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, खाली आपको लेफ्ट और राइट पोजीशंस पता होनी चाहिए और आप इजिली इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. सो लेट अस प्रैक्टिस विद अनदर क्वेश्चन. दिस सैम्पल क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट फाइव बॉयज. ठीक है, फाइव बॉयज आपने इमेजिन करने हैं. ए बी सी डी ई उनके नाम है. स्टैंडिंग इन अ रो. इन अ रो मतलब ये भी लीनियर वाला अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है. एक रो में वो सारे बॉयज खड़े हैं. अब राइट और लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट है. क्या बोल रहे हैं? डी इज टू द राइट ऑफ ई, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए. दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. बी का क्या बोल रहे हैं? ई के लेफ्ट में है पर ए के राइट में है. सी इज ऑन द राइट ऑफ डी एंड स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड. ये भी बता दिया इन्होंने हमें कि सी जो है डी के तो राइट में है पर वो एक तरफ से एक कोने में है. हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिडल में कौन है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? दोनों एंड्स पे कौन है? तो जो जो इस क्वेश्चन में दे रखा है उन्हीं पॉइंट्स को हम लिखते हुए ये एस्टैब्लिश करेंगे. तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है? डी इज टू द राइट ऑफ ई. ठीक है, ई जो है ई के राइट साइड पे डी है तो हम ई के आगे जो है डी बना देंगे. फिर उन्होंने क्या बोला है? बट ऑन द राइट ऑफ ए. ठीक है, सॉरी, डी इज टू द राइट ऑफ ई, इतना हो गया. बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई. क्या बोला है? बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई. सेकंड क्या बोला है? बी जो है वो ई के लेफ्ट में है, इतना. बट ऑन द राइट ऑफ ए, पर ए के राइट में है, इसका मतलब ए तो और इधर हो गया ना. ये बी के लिए ही बोल रहे हैं. बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए. ठीक है, ये बी के लिए ही बोल रहे हैं. तो ए मतलब और इस साइड पे हो गया. और सी इज ऑन द राइट ऑफ डी. सी जो है वो डी के राइट में है एंड स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड. और ये भी पता चल गया कि एक्सट्रीम राइट एंड मतलब सबसे आखिर में है, राइट साइड में है सी. सो हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल. अब मिडल में कौन आया इसके हिसाब से? इसके हिसाब से तो मिडल में ई आया. सो करेक्ट आंसर विल बी ई. ई विल बी इन द मिडल. इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी इन्होंने टर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि मिडल में ई होगा. सो आपसे एक्सट्रीम एंड्स पे कौन होगा ये पूछा जा सकता है, मिडल पे कौन होगा ये पूछा जा सकता है, या आपसे पूछेंगे कि सेकेंड पोजिशन पे कौन होगा, थर्ड पोजिशन पे कौन होगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा था? एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है. सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा? मिडल में कौन है. अब इस थर्ड क्वेश्चन में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ ई. पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम लिखेंगे, बट एंड में उन्होंने क्या पूछा है कि ई के राइट पे कितने पर्सन है, दो है, तीन है, चार है, ये हमसे पूछा है. तो यहाँ पे भी बात है स्टैंडिंग इन अ रो मतलब एक सीक्वेंस में. ठीक है, सिक्स फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ साइड डायरेक्शन को वो फेस कर रहे हैं. सी इज बिटवीन ए एंड ई. तो पहला स्टेटमेंट आप क्या बना लेंगे? सी को आप बना लेंगे बिटवीन ए एंड ई. बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई. तो बी को आप बनाएंगे ई के राइट में. ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में करा है. बट लेफ्ट ऑफ डी. डी के लेफ्ट में है और ई के राइट में है. ठीक है, एफ इज नॉट एट द राइट एंड. ये बता रखा है कि एफ जो है राइट एंड पे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही होगा एफ. हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ ई. आपको ये बताना है कि ई के राइट में कितने पर्सन हैं? वन टू थ्री फोर. चलो क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जो जो गिवन है उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके हम ये पता करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हमने बना लिया कि सी इज बिटवीन ए एंड ई. ठीक है, सी इज बिटवीन ए एंड ई. तो ये आपने बना लिया सी इज बिटवीन ए एंड ई. बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई. बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई. बिल्कुल ई के राइट में कौन है? बी है ना. बट लेफ्ट ऑफ डी. पर डी के लेफ्ट में है, पर डी के लेफ्ट में है, इतना हो गया. एफ इज नॉट एट द राइट एंड. अब एफ हमने यहाँ पे बनाया नहीं. एफ इज नॉट एट द राइट एंड मतलब एफ जो है कहीं ना कहीं इसी साइड में कहीं पे है. कहाँ पे है अभी ये क्लियर नहीं है. ठीक है, इन्होंने बोला एफ इज नॉट एट द राइट एंड मतलब इधर की साइड में नहीं है, राइट एंड की साइड में नहीं है, लेफ्ट की साइड में है, बट कहाँ पे है वो उन्होंने अभी हमें नहीं बता रखा. तो एफ मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही आएगा. हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ ई. क्वेश्चन में क्या पूछा है? ई के राइट में कितने पर्सन हैं? क्लियरली आपको विजिबल है कि ई के राइट में यहाँ पे दो पर्सन हैं. ठीक है, यहाँ पे आपसे उन्होंने काउंट पूछा है.
ठीक है, ये नहीं पूछा कि राइट एंड पे कौन है, लेफ्ट एंड पे कौन है, मिडिल में कौन है, यहाँ पे आपसे उन्होंने काउंट पूछा है. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू द काउंट ऑफ पीपल हु द राइट ऑफ ई. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में कौन है, सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे कि मिडिल में कौन है, और इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कितने हैं. तो काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, वो पूछ सकते हैं. बाकी सब रिलेशनशिप आपने एस्टेब्लिश कर दी, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, कितने स्टूडेंट्स हैं सिटिंग ऑन अ रो, बट द करेक्ट आंसर जो आपने डिराइव करा है इसमें, ई के राइट में कितने हैं, बी और डी है, सो द आंसर विल बी 2 इन दिस पर्टिकुलर केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 5 बुक्स ए बी सी डी ई. आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 5 किताबें हैं ए बी सी डी ई. बुक सी लाइज अबव डी. अब ये क्या बोल रहे हैं, बुक सी जो है वो डी के ऊपर है, डी नीचे है, सी उसके ऊपर है. बुक ई इज बिलो ई. जो बुक ई है वो ए के नीचे है. ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन में है, बट अबव और बिलो वाला कॉन्सेप्ट है. D is above A and B is below E. ठीक है, which book is at the bottom. आपसे क्या पूछ रहे हैं, जिसे उसमें पूछा एक्सट्रीम राइट पे कौन है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कौन सी बुक जो है बॉटम पे है. तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, वो सारी टर्म्स, वो सारे बुक्स की पोजिशन आप उसी सीक्वेंस में आप नोट डाउन करते जाएंगे. तो सबसे पहले क्या है, बुक C lies above book D. तो C बुक जो है वो D बुक के ऊपर है, above है. बुक E is below A. बुक E इज बिलो A. ठीक है, E बुक जो है वो A के बिलो है. D इज अबव A. D जो है वो A के अबव है. एंड B इज बिलो E. B इज बिलो E. B जो है E के नीचे है. विच बुक इज एट द बॉटम. सबसे नीचे कौन सी बुक आई अकॉर्डिंग टू वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे नीचे कौन सी आई, बुक B आई. ठीक है, सबसे नीचे कौन सी स्टैब्लिश हुई आपकी, अकॉर्डिंग टू जो भी इन्होंने मेंशन करा है, सबसे नीचे सबसे बॉटम में कौन सी बुक आएगी, बुक B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट आप जल्दबाजी में उसमें गलती मत कर दीजिए. जो जो टर्म्स दे रखे हैं उसी तरह से आपने उन बुक्स को ड्रॉ करना है कि ए बी सी डी ई कौन सी अबव है, कौन सी बिलो है, और सबसे बॉटम में कौन सी आएगी, बुक बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए लीनियर सीक्वेंस में, लीनियर अरेंजमेंट के. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ पैटर्न इन विच पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल. सो दैट इज ऑफ अ सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है, दो ही पैटर्न पे बेस्ड आपके लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल. एक सर्कल में 6 गर्ल्स आर सिटिंग. 4 दे सकते हैं, वो 5 दे सकते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू राधिका. ए बी सी डी ई करके भी दे सकते हैं, गर्ल्स का नेम भी दे सकते हैं. तो क्या बोल रहे हैं, सोनिया और राधिका ये जो दोनों हैं गर्ल्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट है. ठीक है, पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका. अब राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपने देखना है, जो अभी हमने सर्कुलर पैटर्न में अभी डायग्राम में हमने देखा कि क्लॉकवाइज साइड और एंटी क्लॉकवाइज साइड, कौन किसके लेफ्ट में है, हम किधर को बनाएंगे, और कौन किसके राइट में है. सो पूनम जो है राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति. जैसे लीनियर अरेंजमेंट में भी यही क्वेश्चन था कि बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए बट राइट ऑफ डी. ठीक है, बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति. मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका. कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया एंड लेफ्ट ऑफ मोनिका. यही सारे इन्होंने दे रखा है. अब इसके बेसिस पे हमने निकालना है Who will be opposite to Sonia? ठीक है, सोनिया के opposite में कौन होगा. So let's quickly try to understand what all they have given. कौन कौन से जो 6 girls हैं, ये जो बैठी हुई हैं. आपको पता है कि ये आपकी clockwise direction है, ये आपकी anti clockwise direction है. इधर को ये जो left में move करते हैं हम, इधर को जो है हम right में move करते हैं. तो सबसे पहले क्या इन्होंने बोला, सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू राधिका. हमने अज्यूम कर लिया सोनिया इधर है और राधिका इधर है. कहीं कोई भी दो डायरेक्शंस में आप अज्यूम कर सकते हैं. सोनिया और राधिका जो है ऑपोजिट में है. पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका. जो पूनम है वो राधिका के राइट में है. ठीक है, पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति. राधिका के तो राइट में है पर दीप्ति के लेफ्ट में है. ठीक है, मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका. ठीक है, मोनिका इज सिटिंग, ये जो मोनिका है ये राधिका के लेफ्ट में है. मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका. ठीक है, कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया. जो कामिनी है शी सिटिंग सोनिया के राइट में. ठीक है, कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया एंड लेफ्ट ऑफ मोनिका. और मोनिका के इधर से हम लेफ्ट मूवमेंट. ठीक है, मोनिका के लेफ्ट में बैठी है. तो इस तरह से जब आप सारा एस्टैब्लिश कर लेंगे, इसी पे बेस्ड आपके 4-5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आएगा,
आपने जब ये एस्टैब्लिश कर लिया तो इस पे बेस्ड जो चार पांच क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर लेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है, हु विल बी ऑपोजिट टू सोनिया. सोनिया के ऑपोजिट कौन है, सोनिया के ऑपोजिट कौन होगा, सोनिया के ऑपोजिट विल बी राधिका. अब इसी फिगर में वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी, कामिनी के लेफ्ट में कौन होगा. ठीक है, इसी फिगर को आप देखते हुए बताइए हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी, कामिनी के लेफ्ट में कौन होगा. इसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हुए कामिनी के लेफ्ट में कौन होगा, सोनिया. सोनिया विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति. ठीक है, दीप्ति के लेफ्ट में कौन है, दीप्ति के लेफ्ट में कौन होगा, पूनम. हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति. जब आपने पहले सारा एस्टैब्लिश कर लिया तब आप इजिली सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो दीप्ति के लेफ्ट में साइड में कौन होगा, दीप्ति के लेफ्ट साइड में होगी पूनम. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न. ठीक है, ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिक्स पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. एक टेबल के चारों ओर सिक्स पीपल आर सिटिंग. अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय. सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद एंड मनोज इज फेसिंग अरविंद, हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज. इन्होंने सब कुछ बता दिया, यहाँ पे ऑपोजिट नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज. तो अगर पहले वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, आप लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस को समझ पाए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे जो पर्सन के नेम है हम उनको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल में. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद. ठीक है, अजय इज फेसिंग हेमंत. ठीक है, दो एक्सट्रीम्स पे हमने छह लोग हैं. अजय इज फेसिंग हेमंत, हमने एज्यूम कर लिया ये अजय है ये हेमंत है. अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद. कौन, हेमंत इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद. अरविंद के लेफ्ट में है, कौन है, हेमंत. हेमंत इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय. हेमंत जो है संजय के तो राइट में है और अरविंद के लेफ्ट में है, इतना एस्टैब्लिश हो गया. सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद. सुमन जो है वो अरविंद के राइट में है. ठीक है, सुमन जो है वो अरविंद के राइट में है. मनोज इज फेसिंग अरविंद. मनोज जो है वो अरविंद को फेस कर रहा है. ठीक है, ये आमने सामने है, मनोज इज फेसिंग अरविंद. हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज. अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, मनोज के राइट साइड में कौन है. तो मनोज के राइट साइड में तो कौन होगा भाई, संजय होगा. मनोज के राइट साइड में, मनोज के लेफ्ट साइड में नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज. तो मनोज के राइट साइड में कौन होगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है मनोज के राइट साइड में संजय होगा. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं. ठीक है, सो अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा है हमने सर्कुलर अरेंजमेंट का, उसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसपे बेस्ड इन्होंने तीन चार सवाल आपको दे रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई करके हमने पर्सन को एज्यूम कर लिया है. सिक्स पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल. छह लोग हैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, वो बैठे हुए हैं. ए इज फेसिंग बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ सी, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द राइट ऑफ ए. पहले जो ये सब कुछ बोल रखा है आप इसको बना लीजिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. फिर आपसे बारी बारी उन्होंने पूछा हुआ है डिफरेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो हम है देखते हैं. सिक्स पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है. सबसे क्या बोल रहे हैं, ए इज फेसिंग बी. ठीक है, हमने मान लिया ए इज फेसिंग बी. अब बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई के राइट में है, बी जो है वो ई के राइट साइड में है. एंड लेफ्ट ऑफ सी, और सी के लेफ्ट साइड में है. ठीक है, सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी. क्या बोल रहे हैं, सी जो है वो डी के लेफ्ट में है. ठीक है, सी जो है वो डी के लेफ्ट में है. एफ इज टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट. ठीक है, एफ इज टू द राइट ऑफ ए. ठीक है, हु विल बी सिटिंग, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी. क्या पूछ रहे हैं, डी के लेफ्ट में कौन बैठा होगा. ठीक है, डी के लेफ्ट में कौन होगा, अभी हमको इससे पता चल जाता है डी के लेफ्ट में कौन होगा, सी होगा. ठीक है, खाली एक ही क्वेश्चन हो सकता है या मल्टीपल क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी. अब पूछ रहे हैं सी के लेफ्ट में कौन बैठा होगा, सी के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, सी के लेफ्ट में इस फिगर के हिसाब से हो जाएगा बी. हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ इसके लेफ्ट साइड में कौन होगा, बी हो जाता है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पूछ रहे हैं हु विल बी सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ई के ऑपोजिट में कौन है. ई के ऑपोजिट में आप देख रहे हैं ई के इधर कौन आ जाता है आपका, ई के ऑपोजिट में आ जाता है डी. ठीक है, ई के ऑपोजिट में आ जाएगा डी. और नेक्स्ट
Who will be sitting opposite to C? C के opposite कौन आ जाता है? C के opposite यहाँ पे कौन आ जाता है? F. तो opposite में पूछ सकते हैं या left और right side में भी आपसे पूछ सकते हैं. So let's practice the last question for today's video. This question is saying that five persons are sitting in a row. Five persons हैं A, B, C, D, E. They are sitting in a row. मतलब linear arrangement में. Facing north. North direction को face कर रहे हैं. Such that D is on the left of C. तो D आपने बनाना है C के left में. And B बनाना है on the right of E. B will be on the right side of E. इतना बनाएंगे. फिर A is on the right of C. A जो है वो C के right में है. And B is on the left of D. B को बनाना है D के left में. ठीक है? तो अगर आप left और right का concept आपको clear हो गया है, तो आप easily इस figure को बना सकते हैं. If E occupies a corner position, वो क्या बता रहे हैं साथ में? E जो है एक तरफ के corner side में है, ठीक है? एक extreme पे है. If E occupies a corner position, then who is sitting in the center? आपको इस question में क्या बताना है? Center position बतानी है. जैसे ऐसा ही हमने previous question किया था, और अगर वो question आपको ध्यान से समझ में आया है, आपने solve करा है, तो आप इस question को भी solve कर पाएंगे. तो let's quickly see the solution for this particular question. जो statements हमें given है, ठीक है? D is on the left of C. तो हमने बना लिया D को बना लिया C के left में. ठीक है? अभी row में कहाँ पे ये नहीं पता. D is on the left of C and B is on the right of E. और B जो है वो E के right में है. ठीक है? B is on the right of E. ठीक है? इतना clear हो गया. A is on the right of C और A जो है A is on the right of C. अब A जो है वो C के right में है. And B is on the left of D. B is on the left of D. B जो है वो D के left में है. इतना हमें clear हो गया. ठीक है? B is on the left of D. If E occupies a corner position, वो क्या बोल रहे हैं? E की जो position है वो एक तरफ के corner में है. तो अब B के इधर है E, तो इसका मतलब E इधर ही होगा ना, अगर वो बोल रहे हैं कि corner में है. इस वाले statement से तो हमें ये पता चला था कि E जो है B के इस तरफ है. अब अगर वो corner में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम E को बना देंगे, एक तरफ के कॉर्नर में आ गया E. तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? Who is sitting in the center? According to this जो आपने डिराइव करा है, आपको क्या लग रहा है सेंटर में कौन आता है? तो सेंटर में according to this D आता है. So your correct answer will be D. ठीक है? Who is sitting in the center? सेंटर में पूछ सकते हैं, लेफ्ट साइड में पूछ सकते हैं, राइट साइड में पूछ सकते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि बी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं या बी के लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हैं. तो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेटमेंट को सॉल्व करना है. ठीक है? जो भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपने डी और सी को सॉल्व करना है, फिर आपने बी और ई को सॉल्व करना है, फिर आपने जो थर्ड स्टेटमेंट गिवन है उसको सॉल्व करना है, और उस स्टेटमेंट से आप डिराइव करके यहां तक पहुंचते हैं कि आपको ये पता चलता है कि सेंटर में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन, जो सारे पॉइंट्स गिवन है, हमें ये पता चलता है कि डी इज इन द सेंटर. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ये दोनों तरह के अरेंजमेंट समझ में आए हैं, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, और इन्हीं दोनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस सो दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ठीक है? लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है इसमें, कि कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, और वही चीज आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में भी अप्लाई होगी. सो that is all for today's video and stay tuned for more upcoming videos on intelligence test series. Okay, bye-bye for now. Take care.